हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे द पार्ट टू ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस जब हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। पार्ट वन में मैंने आपको बताया था एक्युमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है। सी, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट वो वाला प्रॉफिट होता है जो अभी तक हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो अगर सपोज करूँ मैं हूँ पार्टनरशिप फर्म, मैंने 1,00,000 रुपये कमाया, आइडली मैं क्या करता हूँ, जितना मैं पार्टनरशिप फर्म कमाती है वो एबीसी पार्टनर को दे देती है, भाई ये लो तुम्हारा प्रॉफिट। पर पार्टनरशिप फर्म ऐसा नहीं करती है, क्योंकि वो कुछ प्रॉफिट अपने पास रखती है। 1,00,000 कमाएगी, 80,000 रुपए दे देगी और बोलेगी 20,000 रुपए मैं अपने पास रख रहा हूं। क्यों अपने पास रखती है? टू फॉर द इमरजेंसी। जैसे आप भी तो रखते हो ना, आपके पापा मम्मी अपने इमरजेंसी फंड कहां रखते हो? सेविंग बैंक में, एफडी में, सारा पैसा तोरी खर्च कर लेते हो। तो इसी तरह पार्टनरशिप फर्म में जितना भी पैसा होता है सारा पैसा पार्टनर्स को नहीं बांटती है, कुछ एक पैसा अपने पास रख देती है, उसको मैं बोलता हूं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो उसके मैंने आपको दो ट्रीटमेंट बताए थे कि जब भी हमारा रेशियो चेंज हो रहा है पार्टनर्स के बीच में, एग्जिस्टिंग पार्टनर में, मतलब पहले रेशियो अलग था अब रेशियो नया हो गया, तो जैसे ही हमारा रेशियो चेंज होगा, पार्ट वन में आपको बताया था कि हमारा रेशियो चेंज हो गया तो हम क्या करते हैं, ये सारे गुल्लक को तोड़ देते थे। मतलब जितना भी मेरा प्रॉफिट आ रहा है लायबिलिटी साइड में या जितना भी लॉसेस आ रहा है एसेट साइड में, प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में आता है। यस, मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मुझे प्रॉफिट हुआ, अल्टीमेटली मुझे लायबिलिटी है मेरे, मुझे पार्टनर्स को देना है। मेरे को लॉस हुआ तो मुझे पार्टनर से लेना है, तो प्रॉफिट मेरी लायबिलिटी है, मुझे देना है, लॉसेस मुझे पार्टनर से लेना है। तो ये सारे जो प्रॉफिट हैं या ये जो सारे लॉसेज हैं उनको मैं नॉर्मली 7 हेडिंग्स में बोलता हूँ। 7 हेडिंग्स कौन कौन सी हो गई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, वर्क पेइंग कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और एसेट साइड में आएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अल्टीमेटली मैंने पार्टनर्स को बांट दिया। पर आज हम कर रहे हैं केस नंबर 2। क्या कर रहे हैं? केस नंबर 2 कर रहे हैं जहां पे मैं प्रॉफिट शेयरिंग, व्हेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब मेरे एग्जिस्टिंग पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया बट मुझे ये प्रॉफिट बांटना नहीं है। जब ऐसा सिचुएशन आती है कि वो बोलता है कि भाई आपकी जो नई बैलेंस शीट बनेगी तब आप उसको नहीं बांटोगे, मतलब आपका रेशियो चेंज हो गया, रेशियो भी चेंज हो गया पर आपको प्रॉफिट भी नहीं बांटना, ये तो गलत हो जाएगा ना। क्योंकि देखो रेशियो चेंज हो गया, सुनो, रेशियो चेंज हो गया, जब रेशियो चेंज होता है तो मेरा अगर ये मेरा 2000 लेट सपोज 5 है, ये 2022 चल रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर ने कमाया इन द ओल्ड रेशियो। सपोज करो दे आर 3 पार्टनर, 3-2-1, तो उन्होंने 3-2-1 में कमाया, और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो उन्होंने नए रेशियो में कमाएंगे। सपोज करो उनका रेशियो हो गया ए बी सी का 1:1:1, तो यहाँ तक जितना भी प्रॉफिट होगा वो उनको किसको बटना चाहिए था? ए बी सी को बटना चाहिए था। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। पर अब क्वेश्चन बोल रहा है नहीं, हमें ये जो प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये तो गलत हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक जितना भी प्रॉफिट है अल्टीमेटली पार्टनर्स को ये रेशियो में बांटना चाहिए। अगर मैं ये रेशियो में आज नहीं बांटूंगा, फ्यूचर में ये पूरा प्रॉफिट 1:1:1 में बटेगा, जो कि गलत है। क्योंकि ये आज की डेट 2022 चल रही है, आज की डेट पे जितना भी प्रॉफिट है पार्टनर ने ओल्ड रेशियो में कमाया है, ए बी सी ने ओल्ड रेशियो में कमाया है, तो ये जो जितना भी प्रॉफिट है ये ए बी सी को बिलोंग करता है, और कितने रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये दोनों केस कैसे हो सकते हैं? रेशियो चेंज हो गया, ए बी सी का रेशियो हो गया 1:1:1, नया रेशियो हो गया, बट क्वेश्चन बोल रहा है आप इसको टच भी नहीं करोगे, तो हम एक क्या करेंगे, हम एक एंट्री पास करेंगे और उसको मैं बोलता हूँ एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। सी, पहला स्टेप, आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना है, जो कि हमने गुडविल में किया था। उसके बाद आपको टोटल ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेज निकालना है, और उसके बाद आपको एक एंट्री पास करनी है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, एक आपको एंट्री पास करनी है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता
आता हूं, सपोज करो कि ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरी बैलेंस शीट है, एक्स वाई जेड आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ऑन 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो इनटू 1:1। चलो ठीक है भाई, मतलब दो तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड, उनका ओल्ड रेशियो था 5:3:2, ये मेरा ओल्ड। अब बोलते हैं कि उन्होंने रेशियो चेंज कर दिया 1:1:1। ओके, अब वो बोलते हैं कि ये लाइबिलिटी साइड में आ रहा है, ये एसेट साइड में आ रहा है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस इफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब रेशियो चेंज हो चुका है, रेशियो चेंज हो गया, पर ये बोलते हैं ये जो गुल्लक है ये हमें पार्टनर्स को बांटना नहीं है। गलत है ना, क्योंकि ये जो गुल्लक है, ये जो प्रॉफिट है, ये 5,000 प्रॉफिट, 4,000 प्रॉफिट, 1,000 रुपये प्रॉफिट, यार ये एक्स वाई जेड ने 5:3:2 में कमाया, पर अगर हम आज इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, और फ्यूचर में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा पता है, फ्यूचर में 1:1 में होगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो हम एक ऐसी एंट्री पास करेंगे जिससे ये जो सही गलत है वो एकदम सही हो जाए। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम पहला स्टेप करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा जो कि होता है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। तो पहले मैं एक्स का निकालूंगा, ओल्ड क्या है सर 5/10, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना आता ना, 5+3+2=10। माइनस न्यू क्या है सर 1/3, तो चलो निकालो सर 30 कॉमन हो गया, 15-10 सर 5/30, तो ये मेरा एक्स का निकल गया। वाई का निकालो, ओल्ड क्या है सर 3/10, न्यू क्या है सर 1/3, 30 कॉमन ले लिया सर 3 9-10=-1/10। ओके, अब जेड का निकालो, जेड का कितना है सर, जेड का है आपका 2/10 -1/3, 30 कॉमन ले लिया तो 3 6-10=-4/10। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो ये क्या, जो पॉजिटिव आता है मैं आपको बता चुका हूँ उस वो सैक्रिफाइस कर रहा है, ये मेरा सैक्रिफाइस कर रहा है, ही इज सैक्रिफाइसिंग। और जो नेगेटिव आता है वो गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है और ये गेन कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या, आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे, हम एक्स वाई जेड का हम वो निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे, जो पॉजिटिव में आ रहा है तो वो सैक्रिफाई आपको बता चुका हूँ, और जो नेगेटिव में आ रहा है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और हम उसके बाद एक एंट्री पास करेंगे सैक्रिफाई गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, पर उसके पहले मुझे टोटल निकालना पड़ेगा। सुनो कितना टोटल है, सुनो कितना टोटल है, मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ सी, यहाँ पर टोटल कितना है, मुझे कितना प्रॉफिट बांटना है सर, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांटना है 5,000, मुझे जनरल रिजर्व सर, मुझे क्वेश्चन में तो नहीं लिखा बांटना है, मैं बांटने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बांट नहीं रहा हूँ, मैं अमाउंट निकाल रहा हूँ 5,000, और ये 1,000 है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, लेस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना है सर 4,000 लेस क्यों कर रहा हूँ, मुझे नेट फिगर निकालनी, क्या निकालनी है, नेट फिगर निकालनी है 5,000 जो भी मेरे प्रॉफिट, मैंने आपको बताया ना 7 हेडिंग्स ही आती है, उन 7 हेडिंग में से अभी 4 ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5+4+1-4 कितना होता है सर 6,000 रुपीज़ होता है, 6,000 रुपीज़ होता है, तो नेट कितना आया 6,000 रुपीज़। तो पहला स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ, पहला स्टेप क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना जो मैं निकाल चुका हूँ, दूसरा स्टेप होता है नेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस निकालो, जो भी अनदेस प्लस देस प्लस देस माइनस देस, जो कि मेरा आ रहा है 6,000 रुपीज़ आ रहा है। और उसके बाद मैं एक एंट्री पास करूंगा, और वो एंट्री क्या पास करूंगा, लिखो एंट्री, लिखो गेनिंग पार्टनर डेबिट करूंगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है ना, ये मैं एंट्री करूंगा। ओके, अब गेनिंग पार्टनर कौन कौन से पार्टनर गेन कर रहे हैं सर, वाई गेन कर रहा है और जेड गेन कर रहा है, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टनर गेन कर रहे हैं जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके सर, ये भी ठीक है, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है सर, एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट
एक्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। अमाउंट क्या आएगा, सुनो तो अमाउंट क्या आएगा, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, यहां पे समझ में आ गया। अमाउंट कैसे निकालेंगे, वाई कितना गेन कर रहा है सर, 1/30 है, ये 30 था ना, 4/30, तो y कितना गेन कर रहा है, 1/30। टोटल अमाउंट कितना आ रहा है सर, टोटल अमाउंट 5 + 4 + 1 = 10 - 4 जो मैं निकाल चुका हूं 6000, तो y कितना गेन कर रहा है into 1/30 कितना है 1/30 विच इज इक्वल टू 200 रुपए, तो y को डेबिट करूंगा 200 रुपए से, क्लियर है। सिमिलरली z कितना गेन कर रहा है 4/30, ओके 6000 × 4/30 = 800 रुपए, तो यहाँ पे 800 रुपए लिखूंगा। x कितना सेक्रीफाइस कर रहा है सर, x सेक्रीफाइस कर रहा है 6000 × 5/30 विच इज इक्वल टू 20 = 1000, तो = 1000, क्लियर है, नहीं क्लियर है। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, एक एंट्री पास कर ली एडजस्टमेंट एंट्री, वाई अकाउंट जो भी गेनिंग पार्टनर है वाई और जेड, और जो सेक्रीफाइसिंग है वो एक्स को मैंने दे दिया, और अब मेरा क्या हो गया, मेरी ये एंट्री पास कर ली। अब ये एंट्री पास करने के बाद जो नई बैलेंस शीट बनेगी, जो नई बैलेंस शीट बनेगी आपकी, जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद, उसके अंदर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इट इज आएगा, एज इट इज आएगा, बिकॉज मैंने इसको छुआ नहीं है, मैंने इसको डिवाइड नहीं किया। जनरल रिजर्व एज इट इज आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एज इट इज आएगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट सर, एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट एज इट इज आएगा, क्यों सर, क्योंकि मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। पार्ट वन में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो मैंने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पर अगर क्वेश्चन बोलता है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो मुझे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। मैं लॉजिक बता चुका हूँ, गुडविल के अंदर सेम लॉजिक है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, हु आर गेनिंग सर, पार्टनर ए बी सी सॉरी एक्स इज सॉरी वाई एंड जेड आर गेनिंग, तो मैंने वाई और जेड को डेबिट कर दिया, और एक्स क्या कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको क्रेडिट कर दिया। तो मेरे स्टेप्स क्या रहेंगे, पहला स्टेप आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, दूसरा स्टेप आपको नेट अमाउंट निकालना है, तीसरा आपको एक एंट्री पास करनी है, और जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें वो एज इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस आएगा, क्लियर है। चलो यहाँ पे मैंने आपको ये कंसेप्ट बता दिया, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो सो दैट यूट्यूब बाबा रिमेन हैप्पी और ऑल लोगों को वो रिकमेंड करे, एंड ये सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, चैनल नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि रोज मेरे वीडियोस आने वाले हैं। एंड यस, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप नीचे लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैंने आपको 12th ग्रुप किया है वहाँ पे, इसको ज्वाइन कर लेना। अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड करना, जहाँ पे मेरा 100% कोर्स 11th एंड 12th का हजारों बच्चों ने लिया हुआ है, एंड देयर सिक्योरिंग 100% मार्क्स इन द बोर्ड्स एग्जाम, तो आप भी ले लो, एंड वहां पे आपको और कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, मेरी ऐप खोल के आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है ना, वो पेन ड्राइव में भी है, मेमोरी कार्ड में, उसमें इंटरनेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, वो आप चेक कर लेना। चलो थैंक यू वेरी मच, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और कमेंट करो आपको लेक्चर कैसा लगा सो दैट मैं भी पढ़ूं कि हाँ ठीक है बच्चों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।